उत्तर प्रदेश के आगरा में दशहरे के महापर्व पर अग्रसेना की ओर से महाशस्त्र पूजन महोत्सव एवं अग्र भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन पश्चिमपुरी स्थित ग्रीन वैली पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी, महापौर नवीन जैन और लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग ने किया। सर्वप्रथम सभी अग्रवंशियों ने पूर्ण विधि विधान के साथ शास्त्र पूजन किया। अग्रसेना के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 की पहली लहर में चिकित्सक सुविधाओं के अभाव में एक टेलीफोनिक डॉक्टर पैनल बनाया गया था, जिसमें डॉक्टरों द्वारा जनता को निःशुल्क परामर्श दिया गया। उन सभी चिकित्सकों को सम्मानित किया और महाराजा अग्रसेन जयंती शोभा यात्रा निकालने वाली शहर की सभी संस्थाओं को सम्मानित किया। पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, और हम ये जानते हैं कि भारत कभी भी ऐसा नहीं अहिंसा से जीता है, अहिंसा हमारे यहाँ हमने कभी भी शस्त्र पूजन ये थे आत्मरक्षा के लिए और हम कभी कमजोर नहीं थे, इसका भी प्रमाण है। और आज ये अग्रसेन जी की इस सभा के अग्रसेना की सभा के द्वारा ये जो आयोजन किया गया है और अग्रवाल समाज भी कहीं कमजोर नहीं है, वह पूरा शस्त्र पूजन और शस्त्र धारण करता है। और बस यही कि हम लोग आज बुराई पर अच्छाई की विजय करें और अपने अंदर की बुराइयों का भी हम दहन करें। सभी को विजय बहुत बहुत शुक्रिया। अग्रसेना कार्यक्रम करती है, ये एक शक्ति का संदेश है अग्रवाल समाज का, वैश्य समाज का, व्यापारी समाज का। आज का जो कार्यक्रम रहा उसमें कुछ चीजें और जोड़ी गई कि कोरोना काल में अग्रसेना ने एक चिकित्सक पैनल बनाया था कोविड-19 की पहली लहर में, जब किसी ने सोचा भी नहीं था, जब चिकित्सा पूरी सुविधा चरमरा गई थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो अग्रसेना ने अपना एक कोविड पैनल बनाकर उसमें बहुत सारे डॉक्टरों को सम्मिलित किया और निःशुल्क परामर्श दिया गया। आज उन सभी चिकित्सकों का भी सम्मान है हमारे यहाँ पर, सारे चिकित्सक यहाँ उपलब्ध है। और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर जिस 2022 में महाराजा अग्रसेन जी की जयंती जो निकली है क्षेत्रों में, वो सारी संस्थाएं यहाँ पर आमंत्रित की गई है, सभी को सम्मानित किया जाएगा, जिससे कि उनमें और उत्साहवर्धन हो और क्षेत्र का अग्रवाल समाज, वैश्य समाज, व्यापारी समाज और ज्यादा तरीके से राजनीति में और धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भूमिका का निर्माण ठीक है ठीक। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।